हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से ग्रीसाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है, अप्रैल माह में बोई जाने वाली सब्जियां, जिनको अगर आप अपने खेत या गार्डन में लगाते हैं तो कम समय में काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। क्योंकि किसान भाई, इन सभी सब्जियों को अगर आप 30 अप्रैल से पहले अपने खेत में लगा देते हैं, अप्रैल के महीने में हमारे किसान भाई काफ़ी सारी सब्जियाँ उगाते हैं और काफ़ी सारी सब्जियाँ उगा चुके हैं। यानी कि किसान भाई फरवरी और मार्च महीने में कुछ अगेती सब्जियां जो लगाई जाती हैं उनको हमारे किसान भाई लगा चुके हैं। लेकिन किसान भाई, आज के इस खास वीडियो में मैं अप्रैल के महीने में बोई जाने वाली कुछ चुनिंदा सब्जियां बताऊंगा, जिनको अगर आप अपने खेत या गार्डन में लगाएंगे तो आगे आने वाले टाइम पर जब ये तैयार होकर मंडी में जाएंगी तो आपको काफ़ी अच्छा रेट और काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इसमें से कुछ सब्जियाँ 20 से 25 दिन में तैयार हो जाएंगी और कुछ सब्जियाँ 30 से 40 दिन में, और कुछ सब्जियाँ जो है 40 से 50 60 दिन में तैयार होंगी। और किसान भाई, इन सब्जियों का अगर बिक्री रेट बताएं तो लगभग जो शुरुआती रेट होता है 40 से 50 रुपए केजी कुछ सब्जियां बिकेंगी, कुछ 50 से 60 रुपए, कुछ 60 से 80 रुपए केजी तक इन सब्जियों की मार्केट रेट रहती है। तो किसान भाई, इन सभी सब्जियों की उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी देंगे। तो दोस्तों, देखिए खास वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने खास मित्र को वीडियो को शेयर जरूर करें, धन्यवाद। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि किसान भाई, अप्रैल का महीना है और हमारे किसान भाई काफ़ी सारी सब्जियां बुआई कर चुके हैं इनके पिछले महीनों में, जैसे कि फरवरी और मार्च हो गया। इन महीनों में हमारे किसान भाई काफ़ी सारी सब्जियां उगा चुके हैं, जैसे कि गिलकी हो गया, खीरा, तुरई, लौकी, कद्दू, बैंगन, मिर्च, काफ़ी सारी सब्जियां दोस्तों लगा चुके हैं। लेकिन किसान भाई, जिन किसान भाइयों ने लगाई नहीं अभी तक ये सारी सब्जियाँ, तो इस वीडियो में दोस्तों सारी सब्जियों के बारे में बताएंगे कि कौन सी आपको अपने खेत में लगानी है, जिससे आगे आने वाले टाइम पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा और लंबे समय तक उत्पादन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो हमारी पहले नंबर की सब्जी है, वह आप मिर्च की खेती कर सकते हैं या फिर अचारी मिर्च या फिर शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाई, मिर्च है जो 60 दिन में तैयार हो जाती है, और किसान भाई, जिन किसान भाइयों ने मिर्च की नर्सरी डाल रखी है तो इस टाइम अभी मिर्च की रोपाई कर देते हैं तो लगभग 55 से 60 दिन में तैयार हो जाएगी हार्वेस्टिंग के लिए, और दोस्तों इससे लंबे समय तक उत्पादन देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इस टाइम का जो इसका रेट है लगभग 50 से 60 रुपए केजी अभी चल रहा है। तो किसान भाई, आप भी अपने खेत में मिर्च की खेती इस टाइम कर सकते हैं या फिर शिमला मिर्च की भी रोपाई कर सकते हैं। शिमला मिर्च की अगर बिक्री रेट की अगर बात करें तो लगभग वो भी 60 से 80 रुपए केजी तक अभी मार्केट में बिक रहा है। तो आप अपने खेत में शिमला मिर्च या फिर अचारी मिर्च की खेती कर सकते हैं, जिससे आपको आगे आने वाले टाइम पर काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। और दोस्तों, यार काफ़ी लंबे समय तक इससे उत्पादन मिलता है, लगभग 6 से 7 महीने आपको इस फसल से उत्पादन देखने को मिलेगा। तो किसान भाई, इस वीडियो में जो दूसरे नंबर की सब्जी है, टमाटर की खेती कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, इस टाइम अगर टमाटर की रोपाई करते हैं तो लगभग 60-70 दिन में इसका हार्वेस्टिंग चालू हो जाता है, और दोस्तों यार लगभग 6 से 7 महीने आपको उत्पादन देता है। क्योंकि दोस्तों, टमाटर का रेट इस साल जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिला है हमारे किसान भाइयों को। ऐसे में अगर आप टमाटर की खेती करते हैं तो लगभग 6 से 7 महीने इसका हार्वेस्टिंग मिलता है, और दोस्तों लास्ट जून या मई में दोस्तों इसका रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस टाइम तक फसल को रोके रखते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर आप टमाटर की खेती करते हैं। तो किसान भाई, इस वीडियो में जो तीसरे नंबर की सब्जी है, जिन किसान भाइयों ने अभी तक भिंडी की बुआई नहीं करी है तो आप भिंडी की बुआई कर सकते हैं, और दोस्तों लगभग 60 दिन में इससे लगभग 45 से 50 दिन में इससे आपको हार्वेस्टिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि किसान भाइयों, गर्मियों में जल्दी तैयार हो जाती है भिंडी, तो आप भी अपने खेत में तीसरे नंबर पर आप भिंडी की खेती कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद जो चौथे नंबर की सब्जी है, वह आप ग्वारफली की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, ग्वारफली की अगर आपने बुआई नहीं करी है तो इससे भी आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा, तो आप भी अपने खेत में ग्वारफली की खेती कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, बात करते हैं सब्जी में पाँचवें नंबर की सब्जी, वह आप पालक की खेती कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, पालक जो है 20 से 25 या 25 से 30 दिन में तैयार हो जाती है, जिससे आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। क्योंकि किसान भैया जल्दी तैयार हो जाती है, और दोस्तों पालक के साथ आप इंटीग्रेटेड कोई भी सब्जी लगा सकते हैं, जैसे बैंगन हो गया या फिर मिर्च हो गई, कोई भी इंटीग्रेटेड सब्जी लगा सकते हैं, जिससे आपको दो मुनाफे देखने को मिलेंगे, पालक भी तैयार हो जाएगी और मिर्च भी तैयार हो जाएगी। तो किसान भाई, इस टाइम पालक की खेती कर सकते हैं,
और दोस्तों जो छठवें नंबर की सब्जी है वो आप धनिया की खेती कर सकते हैं उसी तरीके से, क्योंकि किसान भाई इस टाइम अगर आप धनिया की बुआई करते हैं तो किसान भाई आगे आने वाले समय पर दोस्तों या लगभग 60 दिन में तैयार हो जाएगी। और दोस्तों इसका रेट होगा जो गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड होती है और सभी किसान भाई गर्मी में धनिया की बुआई नहीं करते और दोस्तों जो बुआई करते हैं तो तैयार नहीं कर पाते हैं। तो किसान भाइयों गर्मियों में आप अपने खेत में धनिया की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं और दोस्तों जब धनिया की बुआई करें तो उसके साथ इंटीग्रेटेड कोई भी खेती कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड खेती में दोस्तों आप मिर्च की खेती कर सकते हैं या फिर बैंगन की खेती कर सकते हैं। दोस्तों इन दोनों में से कोई भी आप अपने खेत में लगाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। जैसा कि किसान भाई रबी की फसलें काट चुकी हैं और दोस्तों हमारे किसान भाइयों के खेत खाली पड़े हैं, तो ऐसे में हमारे किसान भाई जो बड़े किसान भाई होते हैं तो उनका मानना होता है कि हम सब्जियों की खेती नहीं करते हैं, तो उनके लिए दोस्तों मैं ऐसी सब फसल लेके आया हूँ। दोस्तों इस टाइम अगर आप मूंग की बुआई करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि किसान भाई मूंग जो होती है वह 55 से 60 दिन में तैयार हो जाती है और दोस्तों हमारे किसान भाइयों को इसमें पानी भी काफ़ी कम देना पड़ता है, लगभग 2 से 3 पानी में या हो जाती है। तो किसान भाई इस टाइम अपने खेत में आप मूंग या फिर उड़द की बुआई कर सकते हैं। इस टाइम जो है मूंग और उड़द का जो रेट है काफ़ी अच्छा है, तो किसान भाई आप अपने खेत में मूंग व उड़द की खेती कर सकते हैं और दोस्तों इसके साथ आप मूंगफली की भी बुआई कर सकते हैं। क्योंकि अब किसान भाइयों बात करते हैं अगली जो हमारी फसल है वह आप मूली की खेती कर सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों गर्मियों में मूली की बुआई अगर आप करते हैं तो इसका काफ़ी अच्छा मार्केट में रेट मिलता है और दोस्तों यह काफ़ी जल्दी तैयार भी हो जाती है, लगभग 55 से 50 दिन में यह तैयार हो जाती है। तो किसान भाई आप अपने खेत में गर्मियों में मूली की बुआई कर सकते हैं जिससे आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा जब यह तैयार होकर मार्केट में जाएगी। क्योंकि किसान भाई इस टाइम मूली में काफ़ी सारी बीमारियां भी लगती हैं, जैसे कि मूली फटने की शिकायत आती है या फिर मूली में काफ़ी सारा फंगस दिखता है जिसकी वजह से मूली मार्केट में नहीं बिकती है। तो आप जब भी मूली की बुआई करें तो उस खेत में फिफ्रोनिल 0.5% का आता है उसको आप मिलाकर अपने खेत में बुआई कर सकते हैं जिससे आपकी मूली शानदार और चमकदार निकलेगी और दोस्तों मार्केट में काफ़ी जल्दी बिक जाएगी। तो किसान भाई आप भी अपने खेत में मूली की इस टाइम बुआई कर सकते हैं जिससे आपको अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। किसान भाई अगली जो हमारी फसल है वह आप चुकंदर की बुआई कर सकते हैं। गर्मियों में चुकंदर की बुआई करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों गर्मियों में चुकंदर की काफ़ी सारी डिमांड रहती है। क्योंकि किसान भाइयों गर्मियों में जो काफ़ी सारी बीमारियां होती है और डॉक्टर जो हमारे होते हैं वह गर्मियों में चुकंदर की खाने की सलाह देते हैं जिससे हमारा हीमोग्लोबिन काफ़ी अच्छा होता है। तो किसान भाइयों मार्केट में इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है और काफ़ी अच्छा रेट भी मिलता है, लगभग 40 से 50 रुपये फुट कर जो है इसका रेट मिलता है। तो किसान भाइयों आप अपने खेत में इस टाइम चुकंदर की बुआई करते हैं, लगभग 50 से 60 दिन में यह तैयार हो जाता है तो आपको बाज़ार में काफ़ी अच्छा इसका रेट भी मिलता है। तो किसान भाई इस टाइम अपने खेत में चुकंदर की बुआई कर सकते हैं जिससे आने वाले टाइम पर आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। दोस्तों ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने खास मित्र को वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।